हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई एम रिया ठाकुर। सो आई वाज गोइंग जिम और मुझे ठंडी लग गई है। एक्चुअली मेरे वॉइस से पता चल ही रहा होगा एंड सर्दी भी लग गई है काफ़ी, इसलिए मैं नाक पोंछते पोंछते उतर रही थी। एंड याद नहीं मुझे मम्मी कहाँ थी, बट आई गेस मामा और भी पहले जा चुके थे, क्योंकि दो दिन से मैं लेट जा रही हूँ। यहाँ पर मैं क्यों हंस रही थी ना, मुझे कल याद था और मुझे अब याद नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मम्मा रास्ते पे वेट कर रही थी, बिकॉज़ वो लोग आजकल जल्दी जाने लग गए और मैं लेट उठने लगी। वो लोग जल्दी नहीं, मैं लेट उठने लग गई हूँ। तो मम्मा वेट कर रही थी ऑन द वे। तो गाइस मैंने आज से सोचा है कि मतलब ये व्लॉग के बाद से जो व्लॉग आएंगे ना, उसमें मैं ऐसे टांगे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ लोग मेरा टांगे देख के करेंगे क्या। फिर हम लोग मम्मा का वेट मतलब मम्मा के पास जा रहे थे एंड यार वो हमें मिल गई एंड देन फिर हम टुबुक टुबुक करके जा रहे थे। मेरे को लगता है ना, मम्मी ने वीडियो देखा है, पता है आजकल मेरे साथ चलती है। तो बेस्ट पार्ट वाज कि लगता है मुझे कि वीडियो देख लिया उन्होंने, इसलिए ना वो आजकल जल्दी स्पीड में नहीं चलती, मेरे साथ ही चलती है। एंड आई एम हैप्पी फॉर देट कि भाई सुबह सुबह नॉर्मल चल सकते हैं हम, क्योंकि माई मॉम वॉक सो फास्ट। फिर उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, हम पहुँचे जिम। जिम पहुँच के मेरा मुंह ऐसे सदमे में ही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है, मेरे को फ्रेशनेस चाहिए, क्लिंकी 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 नहीं फील करना, एकदम यू नो एकदम फ्रेश रहना। एंड देन फिर जिम पहुँचे, चेंज किया, थोड़ा फ्लेक्स कर लिया अपने डिम्पल्स को एंड देन शूज़ वूज़ पहन लिया। एंड देन आई वॉज लाइक यार बाहर मैं ना वॉशरूम घुसती हूँ ना एक बार तो चेंज करने के लिए, और फिर मैं बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। एंड देन जाके थोड़ी वर्कआउट वगैरह कर ली एंड देन हमने इलेक्ट्रिकल किया। इलेक्ट्रिकल करते वक्त सुबह का व्यू बहुत अच्छा होता है और जैसे स्वेट गिर रहा होता है तो और मज़ा आता है। एंड देन इलेक्ट्रिकल करते वक्त मम्मी भी दिख जाती है मुझे बाहर से कि वो आ चुकी है। एंड देन फिर मैं इलेक्ट्रिकल बंद करके चली जाती हूँ। एंड देन आफ्टर लाइक 27 मिनट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पसीना टपक रहा था, ऐसे ऐसा लग रहा था मैं नहा के आई हूँ अभी, बट नहीं पसीना था वो। देन हमने पूरा थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया एंड देन फिर हम वॉशरूम आ गए एंड देन काफ़ी स्वेट था तो वो सब पोछा। एंड देन फिर आई वाज लाइक चलो घर चलते, मम्मी वेट करिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। एडिट करते वक्त भी मैं यॉन कर रही हूँ, सॉरी गाइस। एंड देन फिर हमने चेंज किया, क्योंकि आई वाज लाइक कि घर जाके सोना है, बट ऐसा होता नहीं है गाइस। एंड देन फिर हमें मम्मा वेट एंड मम्मा नीचे वेट कर रही थी। मेरे जिम के सामने ना एग्जैक्ट ऑपोजिट एक गणपति मंदिर है, तो मैं हमेशा जब इलेक्ट्रिकल करती हूँ ना, मैं नोटिस करती हूँ आता जाता हर इंसान ऐसे दूर से पैर पड़ता है, लाइक इस साइड के रोड में हो या उस साइड के रोड में। एंड देन फिर हमने किसान कनेक्ट से कुछ सामान ले ली। आजकल तो मेरी मम्मी ऑब्सेस्ड हो गई है, सब्जी नहीं है चलो किसान कनेक्ट, सुबह आते वक्त तो सारा ही लेके आ जाती है, तो फिर वापस जाने का टेंशन नहीं होता है। और मैं थकी हारी बेचारी बच्ची, ये लाइन अगर मुझे कोई बोलता हो अभी सुनता ना मेरे को मारते हो। बट देन फिर हमने सब्जी वब्जियाँ ले ली एंड देन फिर एलोवेरा, मम्मी को खाना पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने हमने एलोवेरा लिया था, मम्मी ने वो भी खाया। एंड देन मम्मा ने बोला ये वाला फेस पे ये कर ले अच्छा होता है, तो फिर मैंने वो एलोवेरा के जो साइड के पार्ट्स होते हैं ना वो मैंने ले लिया अपने फेस पे रगड़ने के लिए। डू ट्राई इट, इट्स अ नेचुरल होम रेमेडी, इट्स वेरी रियली नाइस, इट वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब ग्लो एंड ऑल के लिए। लाइक हम यही यूज़ करते हैं काफ़ी फेस पे, जब टाइम मिल जाए लगा लो गाइस, डू ट्राई इट, क्योंकि माई मॉम से इसकी बहुत अच्छा था। आप लोग देख सकते हो व्हेन आई वाज मतलब मैं इसको जब लगा रही थी। एंड देन फिर मेरे को रियलाइज़ हो रहा है मैंने तो गले के नीचे लगाया ही नहीं। एंड देन फिर मैं चली गई गले के नीचे लगाने, बट एक ग्लो ही बहुत अच्छा सा आ जाता है। यहाँ पे मैं अपना फेस का कट चेक कर रही थी कि राउंड है या कि कौन सा शेप है। एंड देन फिर लगाने के बाद एंड फिर मैंने चिया सीड्स पिया, बिकॉज आई वॉज रियली हंग्री। सुबह वर्कआउट करने पर भूख बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत 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 ज़्यादा। तो फिर हमने थोड़ा सा थोड़ा क्या चिया सीड्स पिया, 1 ग्लास फुल ऑफ चिया सीड्स, कि ख़त्म हो चुका था। अरे हाय सॉरी गाइस, मुझे बताने क्यों यौन आ रहा है इतना और वॉइस ओवर बंद करने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए। तो फिर मैंने चिया सीड्स ख़त्म किया, यहाँ पे मम्मी मुझे चिल्ला रही थी, तो मुझे बताना कमेंट में कि क्या करना चाहिए। मम्मी इसलिए चिल्ला रही थी कि एक ही साथ में तू पूरा क्यों पी जाती है, थोड़ा रुक रुक के पिया कर, तो इसलिए। एंड देन फिर हमने पौधों में डाला पानी बहुत सारा, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी स्किन ड्राई हो जाती है वैसे पौधे के मट्टियाँ भी ड्राई हो जाते हैं ठंडी के टाइम पे, ऐसा माई मॉम सेज़। तो फिर हमने पौधों में बहुत सारा पानी डाला, क्योंकि मतलब
जो नीचे का सॉइल होता है वो एकदम ड्राई ड्राई हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पानी सोक करता है। एंड देन फिर ब्रेकफास्ट में बना था डोसा। यार आज के डोसे इतने मस्त बन रहे थे ना, इट वॉज लाइक कि भाई साहब गजब है। सॉरी गाइज, फिर से मैंने यॉन किया। बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी डोसास बने थे एज यूजल, मैंने सबको पहले दिया। यहाँ पे मम्मा डिनर लंच ब्रेकफास्ट करने बैठी थी, तो फिर मैंने मम्मा को सर्व किया लंच डिनर ब्रेकफास्ट, कितना कुछ बोल लिया। एक्चुअली बैटर बहुत फ्रेश था तो फिर बहुत अच्छे से बन भी रहा था। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया एंड देन फिर हमने पर्दे डालने थे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए काफ़ी टाइम बाद। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद, मतलब मशीन खुलने वाला था काफ़ी टाइम बाद, पर्दे तो धुलते ही रहते और इतने सारे पर्दे हैं कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैं, और हमारे घर पे थोड़ी जगह की कटौती होने के कारण ये क्यूट वो अंदर रहता है, और जब मेरा मन करता है हम इसको निकाल लेते हैं। इसका पप्पी वप्पी मतलब इतना क्यूट हो है ना, बस मेरे को ना मेरा कुकू चेंज करने के लिए ये रखना है, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो मेरे बेड में आधी जगह यही ले लेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख रही हूँ फ़िलहाल। जब मेरा कुकू बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तब हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो उसको बाहर निकाला, थोड़ा प्यार व्यार कर लिया, थोड़ा पप्पी वप्पी ले लिया एंड देन हमने वॉशिंग मशीन को चालू करने की कोशिश की। चालू तो कर लिया था बट द मेन पार्ट वॉज कि क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। द मेन पार्ट वॉज कि मैं ना उसमें डिटर्जेंट डालना भूल गई थी, फिर डिटर्जेंट डाला एंड देन फिर मशीन चालू किया। मतलब मेरे जैसे साइकिलों की कमी नहीं इस दुनिया में, बट ठीक है यार कोई ना, होता है, सबसे होता है। फिर मुझे याद है, अरे यार डिटर्जेंट नहीं डाला। एक्चुअली मैंने गड़बड़ और भी कर दी थी कि मैंने दूसरे पर्दे डाल दिए थे, पर मुझे धोना कुछ और था और मैंने डाले कुछ और थे, तो मेरा अच्छा खासा पचका हो गया था उस वक्त। एंड देन फिर मशीन लगाया, मशीन लगाने के बाद, सॉरी गाइस दिस इज़ द फोर्थ टाइम आई एम योनिंग। एंड देन फिर हमने मशीन लगाया एंड देन फिर मुझे बहुत सारे काम आ गए, तो उसके बीच में मैं फ़्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मुझे जाना था सबसे पहले पीयू के स्कूल का फ़ी भरने। एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन भरते थे बट ऑनलाइन का इशू के कारण थोड़ा इशू हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे पहले पीयू के स्कूल का स्कूल देख लो। गाइस जिनको नहीं पता ये पीयू का स्कूल है, यहाँ हमने फ़ीस भरी। फिर हम गए बैंक, बैंक का काम निपटा के हमें हाफ एन आवर वेट करना था, तो मुझे लग गई प्यास, तो हमने ले लिया पानी की बॉटल और एक बैंडेज, क्योंकि मेरे हाथ में लगा है तो आई नीडेड अ बैंडेज। तो फिर मैंने उसको हाथ में लगाया बिकॉज इट वॉज पेनिंग सो बैडली। तो और उस मैडम को चाहिए था वो क्रिस्पी बॉल्स जो उसमें आते हैं, यार किस में किंडर जॉय के अंदर, तो उस मैडम के लिए हमने लिया किंडर जॉय के पैक। पांचवा टाइम ऑन किया मैम। एक्चुअली पीयू का स्कूल था 12:30 के बाद और हम लोग 10:30 या 11 बजे से बाहर घूम रहे थे बिकॉज काम के चक्कर में, क्योंकि 3 बैंक जाना था हमें। अब क्या कर सकते, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। फिर हमने ये ले लिया, हम मतलब बैंक के बाहर खड़े थे एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उस मोमेंट पे कि, और मुझे हमें टाइम भी मतलब थोड़ा वेस्ट करना था क्योंकि पीयू के स्कूल टाइमिंग तक, तो मुझे लगा था अगर मैं बैंक के सामने जाके खड़े रहूँगी तो वो बंदा मुझे फटाफट करके दे देगा, मैं थोड़ा बाहर जाके खड़े रहती हूँ तो वो थोड़ा आराम से करेगा। एंड लिटरली वही हुआ, जैसे मुझे पता चला ना कि पीयू के स्कूल छोड़ने का टाइम आ गया तो आई वॉज़ लाइक कि चलो अब अंदर चलते हैं। एंड देन फिर पीयू को हमने ड्रॉप किया एंड फिर एक और बैंक का काम ख़त्म किया एंड देन फिर हम आए घर। इतने सारे काम किए ना गाइस, मैंने मेरी शक्ल पे दिख रही होगी बट फिर भी 6 टाइम यौन, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हमने यौन किया बोल रही हूँ। फिर हम घर आए यार, अरे वॉइस ओवर बकवास लगती है कि क्या लगती है बता दिया करो यार, मेरे को तो बहुत हंसी आती है कभी कभी। एंड देन फिर हमने खाए बादाम बिकॉज आई वॉज रियली हंग्री। फिर शाम को हम चले, एक्चुअली जो पर्दे हमने धोए थे ना वही हम लेने भी गए थे, क्यों, क्योंकि वो हमने धोए थे शाम को। एंड इट वॉज अ गुड वेदर टू, तो फिर हम चले गए टेरेस पे लेने। फिर हमने सारा वो उतारा बिकॉज काफ़ी अच्छा वेदर था, तो आई वॉज लाइक चलो मैं ही जाती हूँ। एंड ये सब लेके ना उतारा नहीं जाता, एक तो हैवी होता है ऊपर से हाथ दर्द होता है भाई ज़िंदगी में और ही क्या। एंड देन फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ो ये तो मैं, और फिर ऐसा था गिर ना जाए, गिरेगा तो मट्टी लग जाएगी मम्मी चिल्लाएगी। एंड देन ये मैडम ने थोड़े कांड कर दिए थे तो डर के मारे बोली थी मम्मी को मत दिखाना ये व्लॉग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपको और क्या देखना है व्लॉग्स वीडियोज़ वगैरह में।